तो भाई तुम लोगों ने ना आज तक आई बैट प्लेयर्स को देखा होगा 30-40 किल्स करते हुए, पर आज तुम्हारा भाई फोन में 43 किल्स करता है। एंड गाइज ये मेरा आज तक का हाईएस्ट है, तो इस गेम में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइज मैं यहाँ पे पोचिंग के आया होता हूँ और यहाँ पे पहले मैं थोड़ी लूट करता हूँ एंड उसके बाद सीधा मैं छत पर जाता हूँ एंड छत पर जाके मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि मुझे को थोड़े किल्स मिले। एंड गाइज फाइनली सामने एक बंदा दिखता है मेरे को एंड इसको मैं सीधा नॉक फिनिश डालता हूँ यहाँ पे। एंड गाइज उसके बाद मैं सामने वाली छत पर जाता हूँ एंड मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है। और गाइज उसके बाद मैं थोड़ी लूट करता हूँ और पंच जंप करके मैं इस वाली छत पे आ जाता हूँ क्योंकि सामने बंदे होते हैं। एंड गाइज मुझे और भी बंदों को साउंड आ रहा होता है तो मैं यहाँ पे एक नेड भी करता हूँ। अब गाइस सामने बंदा टीपीपी ले रहा होता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि इस वाली छत पे आऊँगा और थोड़ा एंगल मिलेगा, पर लेकिन यहाँ पे एंगल तो नहीं मिलता, उल्टा मैं नीचे गिर जाता हूँ। अब भाई बंदा मुझे डैमेज दे देता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसका टीममेट मुझ पर रश कर देता है और भाई मैं इस बंदे को नॉक करने के बाद सीधा फिनिश डालता हूँ और हील करेंगे और उसके बाद दोबारा से जाएंगे छत पर क्योंकि छत से बहुत ईजी एंगल मिलता है बंदों पर। एंड गाइस यहाँ पे दोनों टीम्स की फाइट हो जाती है तो मैं यहाँ पे फ्री किल्स निकालने का ट्राई करता हूँ। गाइज मैंने इस बंदे को तो सीधा नॉक फिनिश डाल दिया। अब यहाँ पे थोड़ी लूट करेंगे और उसके बाद चलेंगे सीधा इसके टीममेट्स के ऊपर। अब गाइज मेरे साइड वाले घर पे बंदे होते हैं तो फिर मैं इस जगह पे आके टीवी पे लेने लग जाता हूँ और भाई यहाँ पे इस बंदे को नॉक करने के बाद मैं सीधा रश कर देता हूँ। अब भाई यहाँ पे मुझे बंदे के बैंडेज मारने का साउंड आ जाता है और भाई यहाँ पे मैं एक बंदा सोच के घुसता हूँ पर यहाँ पे दो दो बंदे होते हैं। अब गाइस उसके बाद यहाँ पे इनको थोड़ा लूटेंगे और फिर उसके बाद चलते हैं दूसरी टीम पे। और भाई मतलब यहाँ पे बंदा बहुत ही गंदी वाली कैंपिंग कर रहा होता है और गाइस मुझे इसके टीममेट का साउंड आ जाता है तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ी बैंडेज मारता हूँ। और भाई ड्रॉप शॉट मार के इस बंदे का भी खेल खत्म कर देते हैं। अब गाइस सामने वाले घर से मुझे बंदे का साउंड आता है। और भाई इस बंदे को मैं सीधा नॉक फिनिश डाल देता हूं। और भाई सामने मुझे एक बंदा दिखता है उसको भी मैं मार देता हूं और उसके बाद सीधा रोड पर रश कर देते हैं। और गाइस सामने मुझे ट्रिपल स्टोरी पे से भी बंदों का साउंड आता है। और भाई ये बंदा डायरेक्ट फिनिश होता है तो मुझे लगता है ट्रिपल स्टोरी पे अब कोई नहीं होगा, पर फिर उसके बाद मुझे ट्रिपल स्टोरी पे दूसरी टीम का भी साउंड आता है। तो भाई मैं देख लेता हूँ कि बंदा छत पे है तो सीधा रश करते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी लूट कर रहा होता हूँ पर सामने से मुझे एक बंदे का साउंड आ जाता है। और गाइस इस बंदे को नॉक करने के बाद सीधा चलते हैं ऊपर वाले बंदों पे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे होंगे तो थोड़ी लूट वूट करेंगे और निकलेंगे, पर भाई मतलब चुपचाप रिवाइविंग चल रही है भाई, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर बंदा रिवाइव दे रहा है यार। अब
अब गाइस यहाँ पे एक बग्गी पे बैठ के बंदा आता है और उसको दूसरी टीम के बंदे नॉक कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि उस बंदे का किल चुरा लूँ। अब गाइस यहाँ पे मैं दो बंदे नॉक कर देता हूँ और लास्ट बंदे को मैं डैमेज दे देता हूँ। तो अब यहाँ पे पूरा हील करेंगे और उसके बाद जाएंगे सीधा बंदे को मारने। अब गाइस यहाँ पे मुझे MG3 मिल जाती है और सामने स्क्वाड हाउस पे आ जाते हैं बंदे, तो अब सीधा रश कर देते हैं। अब गाइस ऊपर मैंने एक बंदा नॉक कर दिया था और ऊपर रश करने से पहले मैं एक नेट सीढ़ियों में भी करता हूँ, क्योंकि कभी कभी सीढ़ियों में बंदे कैंप करते हैं। इनके सीढ़ियों पे कोई भी बंदा नहीं पड़ता, तो मैं समझ जाता हूँ कि बंदा अंदर ही कहीं पे कैंप कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से TPP लेके पहले बंदे की लोकेशन देखता हूँ, और भाई बंदा खुद ही अपनी लोकेशन दे देता है। अब गाइस यहाँ पे थोड़ी लूट करेंगे और फिर निकलते हैं। अब गाइस राइट से मुझे यूजी की चलने की साउंड आती है, तो सीधा रश करेंगे बंदे पे। एंड गाइस जब भी आप ऐसी जगह पे फाइट लो ना, तो सबसे पहले इस जगह पे चढ़ के बंदों की लोकेशन देख लो। और भाई यहाँ पे मैं बंदे के साउंड सुन लेता हूँ, वो डिब्बे के पीछे कैंप कर रहा होता है, तो सीधा प्री फायर लेके घुसेंगे बंदे पे। अब गाइस इस बंदे को मारने के बाद मैं बाकी बंदे ढूंढता हूँ, और मैं बहुत देर तक बंदे ढूंढता हूँ, मुझे नहीं मिलते। बट फाइनली मुझे सामने एक स्मोक दिखाई देता है और मैं वहाँ पे जाता हूँ। और गाइस यहाँ पे ना मैं आपको सांपों की एक अलग ही प्रजाति से मिलवाऊंगा। भाई मतलब रैंक पुश कर रहे हो, एटलीस्ट एक ईयरफोन ले लो यार। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है भाई तुम्हें कौन कुचल के जा रहा है यार, मतलब ऐसा मत क्या करो प्लीज़। अब गाइस यहाँ पे सामने एक बंदा आता है, तो इसको थोड़ा डैमेज देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं नेड करता हूँ बंदे पे, बट एट द सेम टाइम बंदा मेरे पे मोली कर देता है। अब गाइस यहाँ पे इजी 1v5 में इस बंदे को मैं हरा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी हील करेंगे और ढूंढेंगे इस बंदे के टीममेट्स को। अब गाइस सामने से मुझे ओम जलने की साउंड आती है, तो मैं सीधा रश कर देता हूँ। और भाई मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा होगा, पर भाई यहाँ पे तीन तीन बंदे कैंप करके बैठे हुए थे। अब गाइस यहाँ पे थोड़ी हीलिंग करेंगे और उसके बाद चलेंगे लास्ट वाले बंदे पे। अब गाइस ये बंदा मजे से यहाँ पे रिवाइव कर रहा होता है, तो मैं इसको आराम से मार देता हूँ। अब गाइस सामने बंदों ने जोन में आने के लिए स्मोक किया होता है, और मैं उसमें रैंडम फायर देता हूँ, और बंदा डैमेज भी होता है, तो मैं सीधा जाके रश कर देता हूँ। अब गाइस मैं जोन में आ जाता हूँ, और यहाँ पे दो टीम्स की बहुत ही गंदी वाली फाइट हो रही होती है। अबे मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ से मुझे किल्स मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत स्मोक्स करता हूँ और आगे जाता हूँ। और गाइस यहाँ पे दो बंदे नॉक पड़े होते हैं, इनको मैं कुचल देता हूँ, और अब ढूंढते हैं बाकी के बंदों को। अब गाइस सामने मुझे स्मोक दिखता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी गाड़ी घुमाता हूँ। और गाइस यहाँ पे ना मेरे 40 किल हो जाते हैं, और अब मुझे बस ये था कि यहाँ पे बस किसी भी तरीके से चिकन निकालना है। अब मेरे को किल का उतना कुछ लालच नहीं था, बट यहाँ पे भाई बंदे यहाँ पे सांप बने हुए थे,
और भाई मेरी बग्गी का एक टायर फोड़ देते हैं, तो मेरे को यहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ती है। अब गाइस एक बंदे का तो मैं सीधा नॉक फिनिश डाल देता हूँ और दूसरे बंदे की लोकेशन में देखने की ट्राई करता हूँ जंप करके, एंड मुझे बंदा थोड़ा स्पॉट भी हो जाता है। अब गाइस थोड़ा बंदे को डैमेज पड़ जाता है, तो अब स्मोक करके सीधा बंदे पे रश कर देते हैं। अब गाइस लास्ट बंदा बच जाता है, तो अब बगी पे स्मोक करेंगे और बगी से बंदे को ढूंढते हैं। गाइस अगर आप लोगों को मेरी पबजी सेटिंग सेंसिटी एंड कंट्रोल्स देखना है तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर लेना। अब गाइस लास्ट बंदे को मैं बहुत ज़्यादा ढूंढता हूँ, बट फाइनली मुझे बंदा दिख जाता है और इसको भी मैं मार देता हूँ। सो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई के हो जाते हैं 43 किल्स। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड गाइस मैंने ना अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, लाइक जिगल एम वगैरह, मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो वो सारी वीडियोज़ चेकआउट कर लेना, उनसे आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा।